पूर्व केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री अरुण यादव ने कहा कि भाजपा और उसकी देश प्रदेश की सरकारों को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा सर्वहारा वर्ग के कल्याण के लिए बनाए गए संविधान पर भरोसा नहीं है। इस संविधान को सबसे बड़ा खतरा भाजपा और उसकी सरकारों से है। यादव ने आरोप लगाया कि भाजपा आरक्षण को समाप्त करने पर तुली हुई है। यादव ने आज शुक्रवार दोपहर में कसरावत के मंडी प्रांगण में संविधान निर्माता बाबा साहेब की जयंती पर आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए आगे कहा कि बाबा साहेब के विचारों के अनुसार गरीबों और वंचितों को अपने अधिकारों के लिए आवाज बुलंद करना होगी। मध्य प्रदेश के पूर्व कृषि मंत्री और कसरावत के विधायक सचिन यादव ने अपने संबोधन में कहा कि दलितों, वंचितों और गरीबों को बाबा साहेब ने अपने द्वारा बनाए गए संविधान में जो अधिकार दिए हैं वह भाजपा को रास नहीं आ रहे हैं। भाजपा और उसकी सरकारें इन अधिकारों को समाप्त करने पर तुली हुई है। दलितों के अधिकार आज खतरे में है। अपने अधिकारों की रक्षा के लिए अब हमें लड़ाई लड़नी होगी। कसरावत से अखिल खान की रिपोर्ट। हमारी बहनें, माताएं सबसे ज्यादा दुखी हैं, सबसे ज्यादा असुरक्षित हैं। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा हिंसा का जो आंकड़ा राष्ट्रीय स्तर पर देखेंगे तो मध्य प्रदेश में आपको मिलेगा। हमने पहले भी कहा था कि हम जब भी सरकार में 18 में भी हम आए थे, हमने समूचे प्रदेश के सभी वर्गों को एक साथ लेकर उनका विकास की हमने बात की थी। आप देख रहे हैं महंगाई चरम पर है। आज हमारी गरीब बहनों को रसोई बनाने के लिए 1200-1300 में सिलेंडर लेना पड़ता है। हमने कहा है कि हम सरकार में आएंगे तो सबसे पहले हमारी बहनों को 1500 रुपये प्रति माह हम देंगे और घरेलू रसोई गैस 500 रुपये प्रति सिलेंडर देने का हमने वादा प्रदेश की जनता से किया है। और जो बेरोजगार नौजवान हैं, आज देखिए इस मध्य प्रदेश में 27 लाख पद रिक्त पड़े हुए हैं। अन्य अन्य विभागों के, शिक्षा विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हमारी हो, आशा कार्यकर्ता हो, और आज पूरे प्रदेश का हमारा कर्मचारी साथी आंदोलित, आप देख रहे होंगे, आपने देखा होगा कि कोई ऐसा वर्ग, हमारे कर्मचारी वर्ग ऐसा कोई बचा नहीं जो आंदोलनरत नहीं है। तो हम उनको नियमित करेंगे, आशा कार्यकर्ता को नियमित करेंगे, जो रिक्त पद हैं ST SC OBC के उनको पूर्णतः भरेंगे, बहनों को सस्ती रसोई गैस देंगे, 1500 प्रति माह देंगे और किसानों का कर्ज माफ जो हमने 18 में भी किया था। आज महेश्वर में भी आए हुए कार्यकर्ता को भी चले जा रहे हैं, ये तो पुरानी परंपरा। भैया सभी साइड पे बैठ जाओ ना, सभी भारत रत्न और संविधान के निर्माता और इस देश के दलित पिछड़ों और देश के गरीबों की पहचान बनाने वाली हैं बाबा साहेब की जयंती का ये अवसर है। और हम सब जानते हैं कि बाबा साहेब ने इस देश को एक ऐसा संविधान बना कर दिया जिसका अनुसरण विश्व के कई देश आज भी करते हैं। और पिछड़ों को, दलितों को उच्च स्थान दिलाने का काम बाबा साहेब ने अपने कामों के माध्यम से किया। आज हम सब उनको याद करते हैं और वर्तमान परिस्थिति में जो देश की प्रदेश की सरकारें हैं वो सरकारें सही मायने में जो गरीब है, जो पिछड़ा है, उसके बारे में कोई विचार नहीं करती है। आज सरकारें सीधे सीधे हमारे गरीब लोगों के जेबों पर डाका डाल रही है। नौजवान बेरोजगार दर दर की ठोकरें खा रहा है, अपना गृह गांव छोड़कर दूसरे प्रदेशों में जाकर नौकरी की तलाश कर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी वादे तो बहुत करते हैं,
बातें तो बहुत करते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पर आज हमारी ये तो पुरानी परंपरा, कोई नई बात तो नहीं है, सरकारी अमला चाहे वो कलेक्टर हो, एसपी हो, तहसीलदार हो, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में यहाँ पर मध्य प्रदेश में काम कर रहे हैं और सरकारी तंत्र का उपयोग करके भीड़ एकत्रित करने का काम किया जा रहा है। वर्तमान सरकारें लोकतंत्र की हत्या कर रही है, ये दुर्भाग्य हमारे देश का कि जो संविधान बाबा साहेब ने ऐतिहासिक संविधान हमको बना कर दिया है और उस संविधान में प्रत्येक वर्ग के लोगों को अपनी बात कहने का संपूर्ण अधिकार है, उस लोकतंत्र को जिसको बाबा साहेब ने बनाया था, उस लोकतंत्र की हत्या इस प्रदेश के और देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री लगातार करते जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की घटना के बारे में देखिए, उत्तर प्रदेश की ये घटना कब हुई कैसे मुझे तो इसकी जानकारी नहीं, मैंने तो टीवी के माध्यम से सुना है, लेकिन योगी जी आपकी सरकार में ऐसे लोग भी हैं जो आपके चहेते हैं, और अगर आप सही मायने में अच्छे शासक हैं तो जो लोग इस तरह की घटनाएं कर रहे हैं क्या उन पर डोजर चलाने का काम आप करेंगे? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से भी मैं कहना चाहता हूं कि यहां पर सैकड़ों ऐसे अपराधी घूम रहे हैं, आज भी घूम रहे हैं, जिनको आपने 10 फीट नीचे गाड़ने की बात की थी, उनके ऊपर क्या आपका डोजर चलाया गया? आज हम सभी साथी उस महान व्यक्ति भारत रत्न संविधान भारत रत्न संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर को उनको याद करने के लिए, उनका जो योगदान इस महान देश के निर्माण में रहा है उसको याद करने के लिए, और उन्होंने जो संविधान हम लोगों को दिया और उस संविधान के माध्यम से देश के हर नागरिक को जो अधिकार दिए, और विशेष रूप से उन्होंने जो दलित, पिछड़े, गरीब, शोषित, कुंठित ऐसे वर्गों के अधिकारों के लड़ाई लड़ने का जो काम किया, इसके लिए देश सदैव उनको याद करेगा। आज के इस अवसर पर हम उनको सभी साथी उनके चरणों में नमन करते हैं और बाबा साहेब से प्रेरणा लेकर के आज वर्तमान में सभी साथियों से, पूरे देशवासियों से मैं आह्वान करना चाहता हूं कि आज जिस प्रकार से कुछ विचारधारा के लोग हमारे इस महान संविधान को नष्ट करने में लगे हुए हैं, आज हमारा संविधान जो खतरे में है, ये हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है, जवाबदारी है कि हम सब लोग इकट्ठे होकर के ऐसे विचारधारा से, ऐसे लोगों से लड़ाई लड़ने का काम हम सब करें। आज सबसे बड़ी खुशकिस्मत ये कि बाबा साहब मध्य प्रदेश के ही हैं और आज मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है जानिए इस बारे में। देखिए, निश्चित रूप से ये हमारे सबके लिए सौभाग्य की बात है कि ऐसे महान व्यक्ति का जन्म हमारे मध्य प्रदेश में महू में हुआ, और निश्चित रूप से आज जो वर्तमान सरकार हमारे मध्य प्रदेश में काम कर रही है वो कहीं ना कहीं बाबा साहेब की जो भावनाएं थी, बाबा साहेब की जो मंशा थी, उस मंशा के अनुरूप ये सरकारें काम नहीं कर रही है। तो निश्चित रूप से आज हम सबको जागरूक होकर के ऐसे ही सरकार के खिलाफ जो है अपनी आवाज़ को बुलंद करने का काम करना पड़ेगा, और बाबा साहेब की जो शिक्षा थी, बाबा साहेब के जो उपदेश थे, उन उपदेशों को जन जन तक पहुंचाने का काम हम सबको करना है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।